और सफेद कमांडर का आमंत्रण स्वीकार कर आदरणीय मैं बताना चाहूंगा 1989 बैच के टॉपर आईपीएस हैं आप। इनका जीवन एएसपी से लेकर आज बीजेपी तक का सफर क्रियाशील नेता उमंग उत्साह से भरा हुआ रहा है, जिसका प्रभाव सर के बाद प्रथम पोस्टिंग एएसपी पटना के रूप में हुआ था और इन्होंने एएसपी बनते ही अपनी जज्बा जुनून और जोश का प्रदर्शन किया और सब अपने जवानों को निहारते हुए मंच पर हासिल होने के लिए अपने गंतव्य स्थान पर प्रेस कमांडर लक्षण जी का संपन्न हुए आगे का दोस्त और अतिथि के द्वारा अपने सभी जवानों को निरीक्षण कराते हुए और परेड का आदेश लेकर अपने गंतव्य स्थान पर तेज चाल में जाते हुए मैं बता दूं कि पंकज मिश्रा अभी प्रशिक्षु डीएसपी के रूप में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दर्शक दिग्गज से आग्रह करें कि आप ताली बजाएं, ताली बजाते हैं जैसे ही पेड़ में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों के लिए ताकि अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। और एक नंबर प्लाटून के प्लाटून कमांडर आप है पुलिस उपाधीक्षक और दो नंबर प्लाटून के प्लाटून कमांडर है आप है रघुनाथ शर्मा। और तीन नंबर प्लाटून के आप कमांडर हैं पुलिस अधीक्षक 2014 बैच अमरजीत प्रताप सिंह। चार नंबर प्लाटून के आप प्लाटून कमांडर हैं अनिल कुमार सिंह। और पांच नंबर प्लाटून के आप कमांडर हैं अमरजीत प्रताप सिंह। आप श्वेता कुमारी छह नंबर प्लाटून के प्लाटून कमांडर के रूप में सात नंबर प्लाटून के प्लाटून कमांडर और कमांडर यहां पर है मोनी कुमारी।
हमारी बैंड का करता हम चाहेंगे जोरदार दारू बैंड के लिए पाइप बैंड जो पटना से चलकर हमारे बीच बिहार पुलिस अकादमी के इस समारोह में उपस्थित है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ा ही शानदार प्रदर्शन पाइप बैंड बिहार का आन बान शान बहुत सारे कंपटीशन में जाकर बिहार का आपने नाम रोशन किया है पाइप बैंड चार प्लाटून और 2018 बैच का दो प्लाटून और इस तरह से बारी बारी अपने गंतव्य स्थान पर जाकर थमते हुए सभी प्लाटूने बारी बारी से परेड कमांडर के आदेश पर बाजू शस्त्र में आते हुए सभी प्लाटूने विश्राम होते हुए है परेड की खूबसूरती है लो बैठ जाइए खड़े मत रहो पीछे में बैठ जाओ बिहार पुलिस एकेडमी के सहायक निदेशक श्री मानसू शंकर त्रिवेदी जी सहायक निदेशक सहायक निदेशक श्री अजय पांडे जी मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि सीआरपीएफ के सहायक समादेष्टा प्रेम नारायण मिश्र जी मंच पर उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार जी पुलिस उपाधीक्षक जैना सिंह को जी पुलिस उपाधीक्षक मुकुल रंजन जी इस परिसर में इस परेड ग्राउंड में उपस्थित बिहार पुलिस एकेडमी के अन्य पुलिस उपाधीक्षकगण पुलिस निरीक्षकगण
पुलिस अवर निरीक्षकगण, यहां आउटडोर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे सेना से सेवानिवृत्त सूबेदारगण, हवलदारगण, बिहार पुलिस एकेडमी के एएसआईस, हवलदार्स, कांस्टेबल्स, सभी रैंक के पदाधिकारी, कर्मी, आज इस विदाई परेड के अवसर पर मैं आभारी हूं कि आपने मेरे सम्मान में ये परेड आयोजित किया। इसके लिए मैं विशेष तौर पर सहायक निदेशक श्री हिमांशु त्रिवेदी, सहायक निदेशक श्री अजय पांडे और बिहार पुलिस एकेडमी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही कम अवधि में आपने परेड की तैयारी की। परसों शाम में मैंने कहा और आपने एक दिन में तैयारी कर ली। ये निश्चित तौर पे आपके दृढ़ संकल्प का परिचायक है। आज इस परेड के परेड कमांडर परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक पंकज कुमार मिश्र हैं, मैं इन्हें बधाई देता हूं, आपने अच्छा परेड का कमान किया। द्वितीय परेड कमांडर के रूप में राजेश कुमार हैं परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक, मैं आपको ये बधाई देता हूं आपके कुशल नेतृत्व के लिए। प्लेटून एक के कमांडर परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक मनीष आनंद बधाई के पात्र हैं। प्लेटून दो के प्लेटून कमांडर परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार बधाई के पात्र हैं। प्लेटून तीन के कमांडर प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक 2009 बैच के रघुनाथ शर्मा बधाई के पात्र हैं। सेरेमोनियल ड्रिल की कभी नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आपने काफी सराहनीय काम किया। मैंने हिमांशु जी से कहा कि पासिंग आउट परेड के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम 15 दिन बैंड के साथ प्रैक्टिस हो, और यकीन मानिए यदि 15 दिन आपकी प्रैक्टिस बैंड से हो जाएगी, बैंड के साथ, तो आपका परेड किसी से कम नहीं होगा, यह मुझे पूरा यकीन है। इसके अतिरिक्त बहुत से मेरे प्रोबेशनर्स यहां गैलरी में बैठे हैं, बहुत से लोग मंच के आसपास खड़े हैं, उन सब वो सभी भी प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने हमेशा कुछ ना कुछ उत्साहवर्धक किया है। फरवरी में जब मैंने योगदान दिया था तो उस समय 137 पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, निगरानी के पदाधिकारी, उत्पाद निरीक्षक, प्रशिक्षु अवर निरीक्षक 2009 बैच और 14 बैच, ये सभी थे। बाद में 2018 बैच के भी प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर्स यहां योगदान दिए। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जिस कमरे में दो लोगों को रहना था वहां तीन लोग रहे, कहीं कहीं चार लोग भी रहे, जहां मेस में 100 आदमी को खाने की व्यवस्था थी वहां 200 आदमी को खिलाया गया। जिस एकेडमी का निर्माण 1000 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए किया गया था वहां पे 2200 प्रशिक्षु आ गए, लेकिन इसके बावजूद मुझे खुशी है कि इस लगभग 9 महीने के इस समय अवधि में मुझे बेहद संतोष है और खुशी है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे आपके आचरण
और हमारे नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कैंपस में आधारभूत संरचनाओं की कमी के बावजूद आपने जी जान लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया, इसीलिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। ये अच्छा है कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे पहले से बेहतर हो रहा है, आठ महीने की अवधि में जो भी फैकल्टी उपलब्ध थी उसके माध्यम से इंडोर क्लासेस का संचालन कराया गया, हमारे अपने रिसोर्स के माध्यम से आउटडोर क्लासेस का संचालन कराया गया, लेकिन हाल में ही एकेडमी में हम लोगों के प्रयास के कारण सरकार से अनुमति लेकर आर्मी के सूबेदार सेवानिवृत्त सूबेदार यहां योगदान दिए, तो निश्चित तौर पर योग आउटडोर प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, निश्चित तौर पर आपका आउटडोर प्रशिक्षण पहले से बेहतर हो जाएगा। इसी प्रकार इंडोर प्रशिक्षण के लिए भी कई सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस निरीक्षकों ने आवेदन दिया है। जब मैं यहां 28 तारीख को आया था, 25 तारीख को जब मैं यहां आया था तो मैंने एक कमिटी बना दी थी और 4 या 5 को शायद उनका स्क्रीनिंग करने की योजना है, तो इंडोर क्लासेस के लिए भी बहुत जल्द पर्याप्त संख्या में फैकल्टी उपलब्ध होगी, जिसके कारण 2018 बैच के जो इंडोर क्लासेस अभी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं वो सुचारू रूप से चलने लगेंगी। कुछ बेंच कुर्सी टेबल आदि की कमी थी जिसे समय रहते हुए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका, फलस्वरूप इंडोर क्लासेस के शुरुआत में देरी हुई। इसके बावजूद 2014 बैच के सब इंस्पेक्टर्स को पढ़ाने का मुझे अवसर मिला, मैंने कई क्लासेस मैंने लिया और मेरी योजना थी कुछ और क्लासेस लेने की और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इनको पढ़ाया, विशेष तौर पर इन्वेस्टिगेशन में पढ़ा रहा था, तो उस दिशा में भी जो कुछ भी बचा हुआ है, जो भी क्लासेस बची हुई हैं, मैंने 25 को ही आपको कहा था कि वो टॉपिक वाइज आउटडोर इंडोर दोनों का आप बना लीजिए 2014